गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा क्राफ्ट है 8 नंबर। यहाँ पे आज की डेट और टॉपिक में लिखना है फिंगरप्रिंट आर्ट, FINGERPRINTART। ओके, और टॉपिक में भी यहाँ पे लिखना है फिंगरप्रिंट आर्ट। मैंने ऑलरेडी एक फ्लावर बना के रखा है, आपको वापस सिखा रही हूँ फ्लावर कैसे बनाना है। पेंसिल से हमें ऐसे पहले सर्कल बनाना है, फिर कोई भी एक कलर हमें लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वायलेट का करके दिखाया है और हम दूसरा मैं रेड कलर का करके दिखा रही हूँ। फिंगर को ऐसे कलर लगा के ऐसे फिंगर फ्लावर शेप बनाते गोल गोल घुमाते रहना है। ये हमारा फ्लावर रेडी है। उसके बाद हम ब्रश को धो के हनी भी बनाएंगे। हनी भी कौन सा कलर का होता है? येलो कलर का होता है, तो हम येलो कलर लेंगे। थोड़ा ये हनी भी लंबी होती है तो थोड़ा लंबा शेप करना है ऐसे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ओके एक और बनाएंगे। ओके, और हनी भी हो जाए उसके बाद वापस ब्रश को धो देना है। और एक हम बर्ड बनाएंगे, एक बर्ड और एक बटरफ्लाई। बर्ड को भी फर्स्ट फिंगर और थोड़ा यहाँ से पतला होता है तो ऐसे करना है। ओके, अब बटरफ्लाई बनाएंगे। बटरफ्लाई हम ऑरेंज कलर का बनाएंगे। उसमें क्या करना है, हमें फिंगर का जो इतना जो पार्ट है उसका आधा लेना है, छोटा छोटा ही।
ओके, और आधा और उससे भी छोटा, ओके ऐसे आप बटरफ्लाई एक से ज़्यादा आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करें। फ्लावर है उसको हम स्केच पेन से, आपको सीधा नहीं फा रहा है तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इसके अंदर आपको क्रेयॉन से कलर फिल करने हैं। अब हनी बी के लिए पहले फ्लावर को हम बीच में से ऐसे करके यहाँ पे भी हम कलर फिल करना है हमें, ओके। बीच में भी फ्लावर के कलर फिल करना है। शायद अभी येलो कलर अभी गीला है, तब तक हम ये बटरफ्लाई का कर लेते हैं। बटरफ्लाई में भी हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ओके, ऐसे बटरफ्लाई करना है। ये सारा गीला है, यहाँ पे भी आप दो तीन बटरफ्लाई करके ऐसे ही बटरफ्लाई को स्केच पेन से बॉर्डर देनी है। यहाँ पे वो उसका मूछें वो सब ड्रॉ करनी है। ये गीला है तब तक हम कलर फिल कर लें। जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन किया है तो इसमें डार्क ग्रीन कलर करना है, यहाँ पे किया है तो आप यहाँ पे भी डार्क ग्रीन करना है। बैकग्राउंड में आप लोगों को कोई भी लाइट कलर का आप बैकग्राउंड कर सकते हो, जैसे लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, आपको जो पसंद आए वो, ओके। मैं आप लोगों को इतना ही करके दिखा रही हूँ, उसके बाद हाँ ब्लैक कलर से आपको हनी बी कैसे करनी है। ये सूख गया है, नहीं अभी ये भी गीला है, ये सूख गया है तो हम तब तक हनी बी का कर देते हैं। यहाँ पे हनी बी का मुंह उसकी ऐसे स्ट्रिप, पूछ और उसके पैर, यहाँ पे भी ऐसे ही बनाना है। उसका मुंह ऐसे स्ट्रिप, उसकी पूछ और उसके पैर, यहाँ पे आईज वैसे ही यहाँ पे करना है, पर यह भी एक गीला है। अब बड़ में, बड़ में आपको क्या करना है, ये भी अभी गीला है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बड़ में आपको यहाँ से उसकी चोंच दिखानी है, यहाँ से उसकी आईज, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है आप ब्लैक स्केच पेन से ही करो, आप कोई भी कलर के स्केच पेन से कर सकते हो। ओके, ऐसे और बैकग्राउंड में आप लोगों को कोई भी लाइट कलर फिल करना है। यहाँ पे भी हम नहाने भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ, अभी गीला है तो अंदर स्ट्रिप नहीं होगी। ओके, ऐसे ही आपको पूरा
कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। बटरफ्लाई आप लोगों को एक से ज़्यादा बनाने हैं कि पूरा भरा हुआ दिखे। उसके बाद बैकग्राउंड लाइट कलर का, कोई भी लाइट कलर का बैकग्राउंड आप लोगों को करना है। ओके,